मनपा, विभागीय आयुक्त कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से बेड उपलब्धता के लिए शुरू किए गए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के चलते नागरिकों का काम आसान हो गया है। केवल अस्पतालों को उनके पास बेड उपलब्ध की जानकारी समय पर देनी चाहिए, इससे जरूरतमंद मरीजों को जल्द उपचार मिलने में मदद होगी। यह आह्वान महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया है। रविवार को महापौर ने मनपा मुख्यालय स्थित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। उन्होंने वहां से नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी निरिजा पठानिया उपस्थित थे। उन्होंने महापौर को कक्ष की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी दी। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि मनपा ने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष शुरू की तैयारी की थी। इस बीच उच्च न्यायालय का आदेश आ गया, इसकी तैयारी होने से दूसरे ही दिन नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित किया गया। महानगर पालिका जिलाधिकारी कार्यालय और नागपुर कमिश्नरेट के सौजन्य से तीनों के तत्वावधान में संचालित कोविड के बारे में जानकारी के लिए जो सेंटर यहाँ पर सेंट्रलाइज सेंटर की व्यवस्था की गई है, उसका आज निरीक्षण किया। निरीक्षण में सभी टीम बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। रोटरी क्लब का सहयोग और एक B4 ग्रुप का सहयोग इसमें विशेष रूप से लिया जा रहा है। सभी लोग तन्मयता के साथ में काम कर रहे हैं और सिस्टम के अनुरूप पेशेंट का फ़ोन आने के बाद उसे जल्द से जल्द उसकी इच्छा के अनुरूप बेड की जानकारी देने की व्यवस्था इस सेंटर के माध्यम से की गई है। एक OTP जनरेट होकर पेशेंट को दिया जाता है और संबंधित हॉस्पिटल को भेजा जाता है। उस OTP के आधार पर पेशेंट भर्ती हो जाता है। ये सेंटर शुरू होने के कारण जो लोगों में संभ्रम था कि 80% और 20% अर्थात शासन की बेड में एडमिशन होगा या शासन से बाहर की बेड में एडमिशन होगा, वह संभ्रम समाप्त हो जाएगा। और नागरिकों के मन में जो भ्रम था या कुछ समाज कंटक लोग इसका बेजा फायदा उठाकर मरीजों को तकलीफ दे रहे थे, उससे भी इससे निजात मिलेगी। इस सेंटर के माध्यम से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ सूचनाएँ मैंने डॉक्टर चिलकर जी हैं इन्हें दी है आज। उसमें विशेष सूचना यह है कि अभी भी हमारे सिस्टम में हम जो जानकारी देते हैं वो जानकारी देने का अधिकार संबंधित हॉस्पिटल को है। कल अतिरिक्त आयुक्त जलश शर्मा जी का एक वक्तव्य आया, वो वक्तव्य सही भी है कि नागपुर शहर में अभी 996 वेंटिलेटर है, लेकिन हमारी साइट पर अभी भी केवल 27 वेंटिलेटर ही वैकेंट दिखाए जा रहे हैं। आज के इस सुधरे हुए वातावरण में भी अगर यह स्थिति है तो यह कहना उचित नहीं है कि हम खतरे से बाहर हैं, कारण 996 वेंटिलेटर में से केवल 27 रिक्त है, बाकी पूरे के पूरे एंगेज है। इसका मतलब पेशेंट की स्थितियां अभी भी खराब हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो सूचनाएं गलत दी जा रही है, इसलिए प्रशासन के माध्यम से इसकी रैंडम चेकिंग की व्यवस्था जोन वाइज होनी चाहिए। ऐसी सूचना डॉक्टर चिलकर जी के माध्यम से दी गई है और रैंडम चेकिंग होने के बाद अगर किसी हॉस्पिटल ने गलत जानकारी दी है तो उस पर अनुशासनात्मक क्या कार्रवाई हो सकती है, इस दृष्टि से कार्य करने का भी निवेदन किया गया है। कुल मिला के शहर के नागरिकों के लिए एक अच्छी सुविधा भले ही कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई हो, लेकिन महानगर पालिका की यह पूर्व तैयारी थी, इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद एक दिन में ही हम इसको प्रारंभ कर सके। अभी ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर जिस पेशेंट को बेड चाहिए वो स्वयं भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है, वो एप्लीकेशन यहाँ हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और उस पर भी तुरंत निर्णय लेकर के उसे सूचना दी जाती है। यह व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। मैं निवेदन करूँगा कि नागरिक इन दोनों सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। कैमरा पर्सन राजकुमार भोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।